नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां छत्तीसगढ़ के कवर्धा में तेज रफ्तार पिकअप पलटकर 20 फीट गहरे गड्ढे में गिर गया। हादसे में 19 लोगों की मौत हो गई, 7 से ज्यादा लोग घायल हुए। इनमें 4 को हायर सेंटर रेफर किया गया। हादसा कुकदूर थाना क्षेत्र के बापानी गांव के पास हुआ। हादसे के बाद डिप्टी सीएम विजय शर्मा पंडरिया जिला अस्पताल पहुंचे। उन्होंने घायलों का हाल चाल जाना, साथ ही मृतकों के परिजन से भी मुलाकात की। वहीं सीएम विष्णुदेव साय ने घटना को लेकर दुख जताया है और मृतकों के परिजन को 5 लाख रुपए और हादसे में घायल हुए लोगों को 50,000 की सहायता राशि देने की घोषणा की है। मतलब आर्थिक सहयोग परिवार है, कई भी मैंने अपने तेंदुपत्ता संग्राहक परिवार है, संग्राहक परिवार की अपनी अलग योजना है। अगर संग्राहक परिवार का मुखिया होता है तो उसको 4 लाख मिल जाता है, और अगर 50 साल से नीचे का है तो, और 50 साल से ऊपर का मुखिया है तो 50,000 मिलता है। सदस्य है तो उसके कुछ और राशि है। ये सब छोड़ करके भी सरकार की तरफ से सहयोग तो होगा। बहुत दुख है भाई, माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस विषय को कहा है, हम सभी को बाहर होते, और सरकार वरकार नहीं भाई, हम लोग तो इनके अपने लोग हैं, हमारे ही सब लोग हैं, तो उसमें सरकार का कोई मामला नहीं है। दुख सबको है, बहुत बड़ा कष्ट का विषय है, बहुत बड़ा कष्ट का विषय। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता कवर्धा से संजू गुप्ता फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। संजू, कल रात पिकअप पलटने से 19 लोगों की मौत हो गई और तस्वीर हम दिखा रहे हैं, बहुत ही दुखद तस्वीर है। आपने जैसे इससे पहले बताया कि एक ही परिवार के 11 लोग जो हैं उनकी मौत हो गई, और भी लोग हैं, 19 लोगों की कुल मौत हुई है, और एक साथ अंतिम संस्कार 19 लोगों का किया जा रहा है। बहुत ही दुखद घटना है। संजू, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी, मैं आपको बता दूं कि कल जो घटना हुआ वो दिल दहला जो घटना हुआ, जहां आज ग्राम से मरुआ में एक शोक की लहर है। ऐसा कोई घर नहीं है जहां किसी घर में किसी की मृत्यु नहीं हुई है। मैं आपको बता दूं कि एक ही परिवार के 11 लोगों की मौत हुई है, वहीं पूरे ग्रामीण में क्षेत्र में शोक की लहर है। आज 19 मृतकों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया, जिसमें उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा और पंडरिया विधायक भावना बोरा इस कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके अंतिम संस्कार में यहाँ पर पहुंचे हुए हैं और उनके संतोष समृद्ध परिवार के साथ खड़े हुए हैं। अभी मुक्ति धाम में पूरे 19 परिवारों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया है। बिल्कुल, तस्वीरें जो है हम देख रहे हैं संजू, और आपने इससे पहले बताया था कि एक ही परिवार के 11 लोग हैं उनकी भी मौत हुई है, और देख सकते हैं हम कि जो ग्रामीण है, गांव है, गांव में शोक की लहर है। यदि संजू बात करें जिस परिवार का आपने जिक्र किया था, एक ही परिवार के 11 लोग हैं, उनमें कौन कौन से वो लोग थे? आपको बताता हूँ, एक हमने परिवार को उनके पति है, पत्नी है, बेटियां हैं, उनके और उनके बच्चे भी हैं जो गए हुए थे, जो एक ही परिवार के जो है 11 लोग हुए हैं। साथ ही साथ जो उनकी जो महिलाएं हैं वहाँ पे, ज्यादातर जो महिलाएं हैं तेंदू पत्ता तोड़ने के लिए गाँव जाते हैं, और जो पुरुष होते हैं वो अन्य कामों में चले जाते हैं। कल की जो घटना, तेंदू पत्ता तोड़ने के लिए वो रुक में दादर गए थे, और वापस लौटते वक्त जब बाहर पानी पे इस गाड़ी पिकअप पलटने से 19 लोगों की मौत हो गई, जिसमें 17 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं। इसके अलावा जब वहाँ पे जब घटना की जानकारी मिलते ही आला अधिकारी मौजूद हुए और उप मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंचे। साथ ही साथ पूर्व मुख्यमंत्री जो है भूपेश बघेल भी रात में वहाँ मृतक के परिवारों से मुलाकात की और उनके मृतकों को श्रद्धांजलि दी। साथ ही साथ जो प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो उन्होंने मृतक परिवारों के लिए 5 लाख रुपए और घायलों के परिवारों के लिए 50,000 रुपए की घोषणा की। जो घायल है उनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इसके अलावा
जो एक जो गंभीर है मरीज है उनको रायपुर रिफर किया गया है। अभी जो स्थिति हाल में यहाँ पे वर्तमान में सिमरवा में पूरा 13 परिवारों का 19 मृतकों का एक साथ अंतिम संस्कार किया गया है और पूरी जो गांव है शोक की लहर में डूबा हुआ है। इस तरह की यह घटना जिले में पहली बार हुआ है जहां एक साथ 19 परिवारों का अंतिम संस्कार किया गया है। यह एक घटना पूरा गांव के साथ साथ पूरे जिले के झकझोर के रख दिया है। ऐसा गांव में ऐसा कोई नहीं है जिनकी आंखों में आंसू नहीं है। बच्चे और माँ जो पुरुष है वहां पे लगते हुए नजर आ रहे हैं, साथ ही साथ अपने परिवार को जो खो चुके हैं वो उनकी तकलीफों का अंदाजा इस समय नहीं लगाया जा सकता। लेकिन शासन प्रशासन यहाँ पे सभी को जो भी मदद यथा संभव मदद हो सके उन्हें पूरा करने मदद करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन कहीं ना कहीं जो परिवार में इस जो छोड़ के चले गए हैं जो इस घटना के शिकार हुए हैं उस परिवार की स्थिति वो बड़ी दयनीय है। अगर जो बहुत से महिलाएं हैं जिनके बच्चे हैं आज बच्चे जो छोटे छोटे हैं वहाँ पे ग्रामीण है और बिलकते हुए नजर आ रहे हैं। जी बिल्कुल संजू, किसी ने सोचा नहीं होगा कि तेंदू पत्ता तोड़ने गए जो लोग हैं वो फिर कभी वापस नहीं आएंगे। स्वराज एक्सप्रेस को श्रद्धांजलि अर्पित करता है संजू। संजू आवाज पहुंच पा रही है आप तक? जी आपने सही कहा कि इस तरह के जो परिवार में जो आज दुर्घटना हुई है इसकी पूर्ति तो नहीं की जा सकती। इस शोकाकुल परिवार के साथ सभी साथ खड़े हुए हैं लेकिन जो तेंदू पत्ता तोड़ने के लिए गए थे कहीं न कहीं एक घाट है और जो ब्रेक फेल होने की वजह से इस तरह की दुर्घटना हुई है। प्रत्येक दृष्टिकोण से हमने प्रदेश के परिवारों से जब हमने कल रात में चर्चा की तो उन्होंने बताया कि गाड़ी एक तेज रफ्तार में थी और घाट होने की वजह से अनियंत्रित हो गई और उसमें जो पुरुष थे जो गाड़ी के साथ खड़े हुए थे उसमें वो कूद कर अपनी जान बचाई। लगभग इसमें 10 से 12 ऐसे लोग हैं जो कूद कर अपनी जान बचाई है और जो महिला थे वो गाड़ी के अंदर ही थे जिस वजह से उनकी मृत्यु हो गई। पुरुष को मामूली चोटें तो आई हैं कुछ लोगों को जो उनका इलाज किया जा रहा है लेकिन जब गांव के ग्रामीण की स्थिति में इस तरह से 19 लोगों की मौत एक ही गांव के ग्राम सेमरिया के हैं यहाँ पे अत्यंत ही दयनीय स्थिति नजर आ रही है। यहाँ पे लोग पूरा शोक से डूबे हुए हैं, बच्चे बिलख रहे हैं। इसके अलावा जो यहाँ पे जो ग्रामीण के आसपास क्षेत्र के जो उनके रिश्तेदार हैं वो भी यहाँ पे पकड़े हैं और परिवारों के साथ हैं। जी बिल्कुल संजू, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद। और हम सभी लोग इस दुर्घटना से बहुत दुखी हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को जो भी मृतक है उनकी